मेलनी कब से बीच वेकेशन पर जाना चाहती थी, पर अब ये सिर्फ सपना लग रहा है। उसकी फैमिली ऐसा करने के लिए बहुत गरीब है। वाह, ये क्या है? पूल पार्टी नाम के शो के लिए टिकट जीतने का मौका, पर जादू उसके लिए असली नहीं है। उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, वो तो टिकट खाने वाली थी। मेलनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, वो जीत गई है। रुको, अब मॉम की मदद कौन करेगा? मेलनी अब पूल पार्टी में जाने वाली है। बेटी बहुत गहराई में स्विम कर रही है, पर जो लाइफगार्ड मदद करने के लिए हाजिर है वो जल्दी से बचाने आ गया है। जल्दी करो इससे पहले कि उसका मस्कारा खराब हो जाए। जो नजदीक पहुंच रहा है वो खुद नहीं घबरा सकता है। एक मिनट रुको, उसने कुछ ज्यादा कर लिया है। वो बेटी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, अब उसे खुद को बचाने की जरूरत है। बदकिस्मती से ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बेटी का क्या हुआ? पूल इतना गहरा नहीं था, पर उसे मदद की जरूरत थी। अच्छी बात है कि मेलनी यहाँ पर स्विम रिंग के साथ आई है। मुझे जो की चिंता हो रही है। आप पूल में जो चाहो वो कर सकते हो, पिंग पोंग भी खेल सकते हो। मेलनी बेटी को चैलेंज कर रही है। उसे पता नहीं है बेटी को जीतना पसंद है। उसे जीत कर अच्छा महसूस होता है और उसे लोगों का मजाक उड़ाना अच्छा लगता है। मेलनी उसे हल्के में ले रही है, या शायद बेटी को पता नहीं है वो किससे मुकाबला कर रही है। थोड़ा लंच करना चाहते हो? इसे खा लो। जैसे ही मेलनी टैन लेने के लिए तैयार हो रही थी, बेटी ने आकर सब कुछ गड़बड़ कर दी। ये लड़कियां झगड़ा करना बंद ही नहीं कर सकती है। अमीर लड़की लीड में है, पर मेलनी के पास सैंड है। बेटी को सैंड पसंद नहीं है, ये बहुत रफ होती है और हर जगह फैल जाती है। मेलनी को ऐसा नहीं लगता है, उसे बस वाइब्स पसंद है। बेटी को जलन हो रही है। मेलनी की खुशियों की वजह से वो उससे मुकाबला करना चाह रही है। जो को उसे मेलनी को हराने के लिए मदद करनी होगी, पर उसकी पीठ में दर्द है। दिन के इस वक्त ये सूरज हानिकारक हो सकता है। जो अपने बॉस का ख्याल रखता है। मेलनी को खुद से अपनी परेशानियां दूर करने की आदत है। ये सिर्फ अम्ब्रेला है, वो इसके साथ क्या कर रही है? बेटी को लगता है ये बेवकूफी है। मुझे लगता है प्यारा है, ये रेनबो अम्ब्रेला है। बेटी को मेलनी की कामयाबी से परेशानी हो रही है। उसे इसे रोकना होगा। उसके पास सभी अच्छी चीज होनी चाहिए। उसे मेलनी को सबक सिखाना होगा। अगर वो उसे यहाँ से हटा नहीं सकती तो उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। बेटी ने मेलनी का वेकेशन खराब करने का सोचा है। गरीब लड़कियों को कभी हंसना नहीं चाहिए। ये टैन काफी समय के लिए रहेगा। मेलनी उसे कभी माफ नहीं करेगी। हम पिंग पोंग प्रैक्टिस का कोई मौका नहीं छोड़ सकते हैं। गेम जल्दी होने वाला है और इसमें मजा आएगा, और आप मेलनी को हरा सकते हो। चैलेंज मंजूर है, पर बॉल कौन लाने वाला है? मेलनी जाओ ले आओ, उसे बॉल ढूंढने में मदद करें। कमेंट करके उसे बताएं कि बॉल कहाँ पर है। बेटी के लिए पानी बहुत ठंडा है। जो को उसकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। अब ये बढ़िया है, पर उसका ग्लास खाली है। जो को इसे ठीक करना होगा। आपके लिए ताजा जूस, ये शानदार है। मेलनी को भी जूस चाहिए। रुको, ये कौन सा बटन है? ये पूल क्लीनर है। इसका टेस्ट डॉक्टर पेपर की तरह है, मतलब एकदम बेकार। मेलनी पूल के अंदर गई, हर तरह का सामान पकड़ते हुए। वो क्या बनाने वाली है? कैसा रहेगा अगर वो ट्री और लीव्स बनाए? थोड़ा शांत रहो। मेलनी ने अपना खुद का बार बनाया है। कोई डॉक्टर पेपर नहीं और कोई बेटी नहीं, ये सब उसके लिए है। मेलनी को पता नहीं चला कि उसकी टंग ग्रीन कैसे हो गई। ट्रैम्पोलिन पर जंप करना काफी मजेदार होता है, खास तौर से अगर आप पूल पर लैंड करो। ये शानदार है। जो ट्राई करना चाहोगे? बिल्कुल, वो करना चाहता है। उसे मजे करना पसंद है, पर बेटी को उसके सर्वेंट्स को मजे करते हुए देखना पसंद नहीं है। जो इतना डर गया कि उसने फिजिक्स के नियम तोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि बेटी को गुस्सा ना आए। सर्फिंग सबसे मजेदार होती है, पर बेटी के लिए नहीं। वो जिस चीज में अच्छी नहीं होती उससे नफरत करने लगती है। आपको सोचना चाहिए कि पानी पर गुस्सा करना बेवकूफी है। वो परेशानी में खाना खाने लगती है। ये सर्फ बोर्ड दिलचस्प है,
मेलनी हमेशा से हैंगिंग लूज ट्राई करना चाहती थी, पर ये बहुत मुश्किल है। अच्छी बात है उसने फोक गिरा दिया है, ये तो ऑयस्टर है। कितना बढ़िया लंच है। क्या ये महंगा लग रहा है? इसमें कुछ तो है। उसे अच्छी तरह से खड़ा रहना भी नहीं आता है। जो को पता है पर्ल्स कैसे दिखते हैं, और वो इसे नहीं फेंकने वाला है। बहुत गर्मी हो गई है और हमें प्यास लगी है। कॉलेज में उसने एक खास ट्रिक सीखी थी। जो मेरे परेड पर पानी मत फेरो। जब तक उसका ध्यान कहीं और है, मेलनी कुछ शानदार चीज बना सकती है। पूल में फ्लोटिंग टेबल अच्छा सरप्राइज होगा। आखिरकार वो लोग दोस्ती करने लगे हैं। पर शायद बेटी इस टेबल को खराब कर देगी। उसे ये इतना पसंद आया कि वो इसके लिए जो के पैसे बढ़ाने वाली है। मेलनी गुस्सा है कि जो ने उसके गिफ्ट को बेटी को दे दिया है। मेलनी को एक्शन मूवीज देखना पसंद है और पॉपकॉर्न खाना भी। बेटी का लंच इतना मजेदार नहीं है। फ्रेश फ्रूट जिन्हें लाने के लिए जो ने मंकी से लड़ाई की है। मेलनी को भी एक अच्छा गिफ्ट मिला है। बेटी को पाइनएप्पल लीव्स नहीं खाने हैं, इनसे उसके पेट में दर्द होता है। मेलनी को नया पॉपकॉर्न चाहिए। उसके पास माइक्रोवेव या स्टोव नहीं है, पर उसके पास कर्नल्स हैं, जिसे वो विंडो सिल पर रखेगी। ताज़ा पॉपकॉर्न ताज़े फ्रूट की तरह नहीं होते, पर कम से कम किसी को परेशानी तो नहीं हुई है। बेटी एक बिगड़ी हुई लड़की है, वो कभी खुश नहीं होती। या तो ड्रिंक ठंडा नहीं है या ये बहुत ठंडा है। जो अपने बॉस को खुश करने की हर कोशिश कर रहा है। मेलनी भी ठंड के मजे लेने वाली है। उसे गर्म कपड़े पहनने चाहिए थे। जो उसे फ्रिज की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो उसकी मदद कर रहा है। बेटी को हर वक्त बेवरेजेस की जरूरत होती है, ताकि वो जब चाहे तब मजे कर सके। वो बहुत ड्रामेबाज है। मेलनी को उस पर गुस्सा आता है। बेटी को हमेशा अच्छा सामान मिलता है। मेलनी को उसे सबक सिखाना पड़ेगा। जब बेटी आराम करेगी, वो पूल में शार्क्स को देखकर हैरान हो जाएगी। उसने ऐसे डरने के लिए काफी डरावनी मूवीज देखी हैं। एक गरीब लड़की अमीर हो गई। जो को गर्मी पसंद नहीं है और बेटी को तो गर्मियों से और ज्यादा नफरत है। यहाँ पर कोई एसी क्यों नहीं है? जो को उसे अपने हाथों से पंखा करना होगा, पर इतने जोर से नहीं, वरना वो उड़ जाएगी। ये जगह ज्यादा समय के लिए खाली नहीं रहेगी। मेलनी इसका फायदा उठा सकती है। जो इतना थक चुका है कि उसे इस बदलाव के बारे में पता भी नहीं चल रहा। बेटी हमेशा बहुत सारे डिमांड्स करती रहती है। अच्छी बात है जो यहाँ पर है, वो हर चीज करेगा जैसा वो चाहती है। बेटी उस गरीब लड़की के साथ में स्विम नहीं करना चाहती, वो उसे टच भी नहीं करना चाहती, पर ये खास मैट्रेस उसकी मदद करेगी। वैसे मेलनी काफी उम्मीदों के साथ काम करती है। वो बलून से मैट्रेस बना रही है। वो हर तरह के बलून क्राफ्ट को जानती है। उसके डैड एक क्लाउन है। वो बलून डॉग के साथ में बड़ी हुई है और साथ बलून सिस्टर भी होती है। अब उसके पास मैट्रेस है। बेटी को जो पर गुस्सा आ रहा है। ओह, बॉटल्स के लिए छोटे से आउटफिट्स, बहुत प्यारे हैं। बेटी को गुस्सा आ रहा है कि उसे खांसी हो रही है। उसे ड्रिंक चाहिए, पर यहाँ पर फ्री ड्रिंक्स नहीं मिलते। तो क्या हुआ? बेटी की जान कीमती है। मेलनी का सोडा सच में जादुई है। बेटी ठीक लग रही है और अब वो टिकटॉक में वायरल हो चुकी है। बेटी कॉप नहीं है और उसे डोनट्स बहुत पसंद है। क्या चल रहा है? वो हो, ये पेरिस्कोप कहाँ से आ गया और इस पर बेटी ने कैसे ध्यान नहीं दिया? ये तो हमला है। ऐसा कौन कर सकता है? उनको मालूम नहीं है वो किसके साथ दुश्मनी कर रही है। मेलनी बहुत अच्छा करने लगी है और इसे देखकर बेटी को घबराहट हो रही है। वो ऐसा नहीं होने दे सकती है। जो को पता है कैसे मदद करनी है। वीआर गॉगल उसे ऐसी दुनिया दिखाएंगे जहाँ पर मेलनी नहीं है, पर बेटी चाहती है कि इस दुनिया में मेलनी ना हो। तो उसने गॉगल्स मेलनी पर लगा दिए। पार्टी खत्म हो गई है, घर चले जाओ। मॉम अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश है। यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है। सबको उसकी याद आ रही थी। वो लोग उसे टीवी पर देख रहे थे। जो और बेटी आखिरकार आराम कर सकते हैं, क्योंकि मेलनी जा चुकी है। कोई भी पूल में उन पर पानी नहीं फेंकेगा। ये क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। मेलनी की पूरी फैमिली शो में आ चुकी है। ये बेटी के लिए बुरे सपने जैसा है। उसने ऐसा बुरा कभी सोचा भी नहीं होगा। इस शो को भुला पाना मुश्किल है।
इतनी ठंड हो रही है कि उसके दांत स्नेयर ड्रम की तरह आवाज कर रहे हैं। क्या वो इतनी हॉट नहीं है कि पानी ऐसे ही उबल जाए? उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। हमें थोड़ी ही दोस्त आए। अब सही है। एमा का सूप किसको चाहिए? स्काई थोड़ी भावनाओं में बह गई। पानी बहुत गर्म है। अभी मैं अर्ल ग्रे टी पीना चाहूंगी। एमा के पानी में होने से ये और मीठा हो गया। स्काई को ये पसंद आया। इंस्टाग्राम लोगों के वाटर पार्क फोटो से भरा पड़ा है। अगर हम हमारे लिविंग रूम पूल की फोटो पोस्ट करेंगे तो लोग हम पर सिर्फ हंसेंगे। बुरा हुआ, बाकी सब अपने हॉट ट्रॉपिकल वेकेशंस के बारे में पोस्ट कर रहे हैं। स्काई को पता है क्या करना है। टॉयलेट लिड को प्लेन विंडो की तरह इस्तेमाल करेंगे। उसके दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं। मोनिका असल में इस बारे में कुछ कर सकती है। उसने पहले ऐसा कुछ कर रखा है। ड्राइंग के आगे पिक्चर्स लेने से काम बन सकता है, लेकिन कमेंट्स में उसे कोई पसंद नहीं कर रहा। सच में लोग ऐसे क्यों होते हैं? मोनिका को स्विमिंग नहीं पसंद। उसके इयररिंग उसको डुबोने में लगे हुए हैं, लेकिन उसको पूल चेन पर आराम करना बहुत पसंद है। हालांकि खाली ढूंढना बहुत मुश्किल है। स्काई यहाँ पहले आई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। पेंट अभी तक सूखा नहीं है। देखो यहाँ ज़ेब्रा है। एमा बहुत लापरवाह है। पूल में सारे चिप्स गिर गए। गिरो मत। लेकिन एक फ्लोटिंग टेबल परफेक्ट है। हालांकि वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। स्काई यकीन दिलाना चाहती है कि उसके दोस्त हेल्दी खाएं। मेरा पर्स था, चिप्स ज्यादा देर तक लॉक्ड अप नहीं रहेंगे। मोनिका बहुत ज्यादा कॉप शोज देखती है। उसको पता है सबको कैसे बचाती है। ये सही है। स्काई भी तैरना चाहती है, पर एमा को लगता है ये बहुत खतरनाक है। ये बहुत गहरा है और स्काई अच्छी स्विमर नहीं है। एमा को स्विम रिंग की ज्यादा जरूरत है। जब आप उसमें तैर ही नहीं सकते तो उसे पूल का फायदा क्या है? सही नहीं है। स्काई को बचपन का पूल याद आ गया। ये छोटा है, लेकिन ये सिर्फ उसका होगा। पिछले वेकेशन से उसके क्रॉक्स में सैंड है। वो उसे किसी बढ़िया चीज के लिए इस्तेमाल कर सकती है। एक सैंड पूल मिनी बीच जैसा होता है। वो उसके साथ खेल भी सकती है। उसको कुछ मिला, एक कीमती स्टोन। बहुत लकी है। बीच पर चलना काम आ सकता है। शायद वो अपना खुद का वाटर पार्क बना ले। लाउंज चेयर पर पेंट हो चुका है। अब हम आराम कर सकते हैं। मोनिका को हमेशा सन बर्न हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको शायद ना हो। ये सही नहीं है। एक सन शेप प्रोजेक्टर काम आ जाएगा। अब वो अपनी समरी टैन सबको दिखा सकती है। मोनिका सन के इतनी पास बैठी है कि आप उस पर एग भी फ्राई कर सकते हो। स्काई वही कर रही है। टोस्ट किसको चाहिए? ये थोड़ा सा जल गया है, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं, उसका फ्राइंग पैन उठ गया है। उसका फ्राइंग पैन उठ गया और वो बहुत गुस्से में है। स्काई उसको खाना बांट कर खुश है। ये बढ़िया है। मोनिका ने दो पूरी ट्यूब सनस्क्रीन की एमा को लगा दी। जबकि स्काई टूर्स करके पैसे कमा रही थी। ये काफी नहीं है, पर ये अच्छा काम है। पूल इतना खास नहीं है, पर हम यहाँ लेकर आए तुम्हें पता है। ये स्लाइड दिलचस्प है और मंकी इंक्लोजर बहुत कूल है। मिरर वाली हरकत फनी थी, लेकिन बुरी थी। स्काई को उनके पैसे वापस देने होंगे। माफ करना, मेरे पास सिर्फ बनाना है। हर रिजॉर्ट को एक बार चाहिए होता है, खास करके होटल में तो एक होना ही चाहिए। तो चलो एक बनाते हैं। बहुत जल्द बार बन जाएगा। बस थोड़ा और सजाएं। लेकिन क्या हम असली बारटेंडर के बिना काम चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लो, आपको क्या चाहिए? एक ट्रॉपिकल कॉकटेल मिल जाएगी। स्काई ने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, इसलिए वो इसमें माहिर है। उसके मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स और उनको मिलाने का तरीका देखो। आइस का क्या?
बहुत बढ़िया। ओप्स, चीज बहुत जल्दी फनी हो जाती है। चलो ये वीडियो दोबारा देखते हैं। मेरा सर दुखना कब बंद होगा? एमा की मॉम काम से वापस आ गई। पूल यकीन नहीं होता, लेकिन बिना कैप के स्विमिंग करना भी गलत है। एक बार वो पानी से बिना बालों के बाहर आई थी और वो ये नहीं चाहती कि ये दोबारा हो जाए। स्विम कैप या बॉल्ड कैप, अब ये तुम्हारी मर्जी है, ये सबके लिए है। जब मोनिका बहामास में थी तब वो फेस पेंट करना सीख रही थी। टेस्ट करके देखने का समय आ गया है, अब एकदम परफेक्ट समय है। वाह, ये बढ़िया लग रहा है, वो बहुत टैलेंटेड है। उसने अपने आप को सुंदर लगने के लिए किया है। स्काई खुश नहीं है, वो कभी बहामास नहीं गई, लेकिन उसके अंकल टैटू आर्टिस्ट है। इसे देखो, नीचे कमेंट्स में बताओ आपको किसका डिजाइन ज्यादा पसंद आया। वाटर गन्स के साथ खेलना कितना मजेदार है। लड़कियां चौकन्ना, खतरनाक और सुंदर है, ये मजेदार है। एमा को अपनी चॉइस पर पछतावा हो रहा है, लेकिन मोनिका को कोई दिक्कत नहीं। गो, गो, गो। एमा को ये गलत लगता है। जज पर शूट करने से वो दोनों तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। माँ करना, पूल में जंप करना कम्पीट करने का एक और बढ़िया तरीका है। जजेस एमा के जंप से इतना खुश नहीं है। मोनिका बताएगी कि जंप कैसे करते हैं। लव डाइव, जजेस का फैसला बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। स्काई के पास कुछ बढ़िया है। एक बार उसके पेरेंट्स उसको वीकेंड पर ट्रैम्पोलिन पार्क छोड़ आए थे। उसको जंप्स के बारे में बहुत कुछ पता है और वो कुछ रिस्की करेगी। आंखें बंद कर लो। उप्स, उसने सीलिंग तोड़ दी। ये सच में बहुत बढ़िया था। लड़कियों ने कुछ अच्छे ठंडे लेमोनेड बनाए। वो अब से स्काई को बारटेंडर नहीं रहने देंगे, वो अब खुद बनाएंगे। लेकिन स्काई ड्रिंक्स पीने आती है, ठीक है। बहुत खराब है। स्काई के चेहरे पर इतने रिंकल्स पड़ गए कि वो अब अपनी ग्रैंडमा की तरह लग रही है। चलो थोड़ी और शुगर डालती है, लेकिन स्काई के लेमोनेड में नहीं। वो बहुत सेल्फिश है। तो क्या हर कोई मीठी जिंदगी नहीं बिता सकता? लड़कियों के पास बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हैं और जाहिर है सबसे छोटी वाली को बर्तन धोने पड़ेंगे। ये सही नहीं है, उसको भी तैरना है। क्या वो मल्टीटास्क कर सकती है? अच्छी बात है कि किसी ने उसे फ्लोर साफ करने के लिए नहीं बोला। स्काई अपनी स्किन केयर रूटीन कर रही है और उसकी सनस्क्रीन खत्म हो गई। एमा के लिए थोड़ी सी भी नहीं बची। हमें कुछ सोचना होगा, वरना उसको बहुत सनबर्न हो जाएगा। ये सारी फ्लाइज कहाँ से आई और ये सब एमा की तरफ क्यों है? क्या स्काई को पता है? शायद, लेकिन वो नहीं बोलेगी। वो सही है। एमा मेयो का खाली जार देखकर हैरान हो जाती है। अब समझ आया ये फ्लाइज कहाँ से आई और वो क्या सनस्क्रीन थी। जैसे ही स्काई आराम करने के लिए बैठती है, वैसे ही उसके दोस्त बहुत सारे कपड़े पनिशमेंट के तौर पर आयरन करने के लिए दे जाते हैं। इंसाफ होगा, जब वो पूल पर मजे कर रहे होते हैं तब सिंड्रेला काम कर रही होती है। अगर तुम एक पंपकिन से कैरेज बना सकते हो तो तुम आयरनिंग बोर्ड से सर्फ बोर्ड भी बना सकते हो। कपड़ों पर अभी भी रिंकल्स पड़े हुए हैं, लेकिन स्काई खुश है। सर्फ करो। फ्रिस्बी दुनिया के छोटे से यूएफओ की तरह उड़ रही है। एमा और मोनिका खेलते हैं, लेकिन लिविंग रूम खेलने के लिए सही जगह नहीं है और स्काई का सर अच्छा शैंडलियर नहीं है। ये सही आइडिया नहीं है। पहला ताजा फल अच्छा लगता है, लेकिन बहुत काम करना पड़ता है। किसी को गेस्ट की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो आ गए। लड़कियां हैरान है, क्या ये फिर से कोई स्काई का 100 पिज्जास और कॉप्स वाला प्रैंक है? नहीं, बस टूरिस्ट है। ये पैसे कमाने का अच्छा मौका है। टूर कैसा रहेगा? अभी पैसे दो, रिफंड्स नहीं होंगे। ये रिजॉर्ट एक विमेन और दो मंकीज ने बनाया है। मोनिका और एमा को ये स्क्रिप्ट अपडेट करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक कस्टमर्स खुश है और हमें पैसे मिल रहे हैं, तब तक ये दुनिया का सबसे हॉटेस्ट रिजॉर्ट है। #ट्रॉपिकल पैराडाइज। एमा कैफेटेरिया के खाने से खुश नहीं है। वो 20 मिनट से चुन रही है। उसके पीछे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और क्राउड कंट्रोल से बाहर हो गया है। लंच टाइम बहुत जल्द खत्म होने वाला है और उन्होंने अभी तक नहीं खाया। जेनी को पता है अमीर लड़की का ध्यान कैसे भटकाना है। वो डायमंड्स को मना नहीं कर सकती, चाहे वो नकली क्यों ना हो, लेकिन उसको इसके बारे में बहुत लेट पता लगेगा।
उसको तो ये भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। उसके फेस के एक्सप्रेशंस अनमोल थे, लेकिन अब वो किसी को इंतजार नहीं करवा रही। एमा के दोस्त नहीं है, उसको बहुत समय से किसी ने मैसेज नहीं किया कि यहाँ तक इसके फोन पर स्पाइडर वेब्स लग चुके हैं। लेकिन गरीब स्टूडेंट्स को हर समय कोई ना कोई मैसेज कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं मिल रहा। एमा बस उसके सस्ते फोन पर हंसती है जिसकी चार्जिंग हर 5 मिनट बाद खत्म हो जाती है। क्वीन एना का असली क्राउन कॉलेज में आया, कोई भी उसे छू नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सुंदर क्राउन एमा का ना हो? अब उसको वो चाहिए ही चाहिए। लॉयल सर्वेंट उसे जो मर्जी हो वो ला कर देगा। एमा के किचन में जैसा सिक्योरिटी सिस्टम है, सेम यहाँ पर भी वैसा है। निक ने उसे फ्रिज की तरफ जाते हुए बहुत बार पार किया है। अगर वो सोचे कि क्राउन सैंडविच है तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्राउन सिर्फ एक होलोग्राम है। अमीर लड़की को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन असली क्राउन है कहाँ? हम सिर्फ गेस कर सकते हैं। वाह, जेनी के पास बहुत कूल बैग है, उसने ये खुद बनाया है। एमा अपने पर्स से सबका ध्यान अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रही है। ये ट्रू फैशन के लेटेस्ट कलेक्शन है, लेकिन उन सबको कोई परवाह नहीं। ये भेदभाव उसे परेशान करता है। निक को लगता है कि बॉस के पर्स को और चमक चाहिए। यहाँ पर कभी भी डायमंड्स ज्यादा नहीं हो सकते। एमा हमेशा चमकती रहनी चाहिए। ये पर्स इस छोटी सी लेडी के लिए बहुत भारी हो गया है। अब सब उसे देख रहे हैं, लेकिन उसे इस तरह अपनी तरफ सबका ध्यान नहीं चाहिए था। लेकिन ये ताकतवर लड़का भी ये पर्स नहीं उठा पा रहा। दोस्त सेल्फी ले रहे हैं, किसी ने एमा को नहीं बुलाया, ये बहुत गलत है। वो खुद पिक्चर ले रही है और जाहिर है वो बहुत उदास लग रही है। तुम ये इंस्टाग्राम पर नहीं डाल सकती। महंगी एक्सेसरीज अमीर लड़कियों को हमेशा खुश कर देती है। पर्सनल फोटोग्राफर ने ज्यादा फ्लैश कर दी। गाइस ब्लाइंड हो गए और अब उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। एमा को लगा कि ये सब उसकी खूबसूरती की वजह से हुआ है। अमीर लड़की का नया टॉय, एक खूबसूरत डायमंड। सबको वो देखकर एमा से जलना चाहिए, लेकिन सबकी नजरें जेनी के बनाए ऑर्गेनाइजर पर है। वो लोग उस महंगे स्टोन से ज्यादा उस ऑर्गेनाइजर को देखकर खुश थे। बेवकूफ, जेनी के पास बहुत कम पैसे हैं। एमा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती है। वो अपने आप में ही अजीब है। वो सबसे महंगा केक खरीद सकती है, लेकिन अभी तक उसके पास एक नॉर्मल सर्वेंट नहीं है। लापरवाह निक ने सब गिरा दिया। एक और अच्छा दिन खराब हो गया। एमा लेसन का टॉपिक हाईलाइट करने के लिए मार्कर मांग रही है। जेनी अपने दोस्त की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। एमा को अपने क्लासमेट्स का गंदा मैनिक्योर पसंद नहीं आया है। जेनी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पर जेनी की गरीबी उसे और ताकतवर बनाती है। वो कार्डबोर्ड के साथ अपना मैनिक्योर ठीक करेगी। हाँ, आपने सही सुना है, कार्डबोर्ड। एमा के पास अपना खुद का मैनिक्योरिस्ट है। आपको किसका मैनिक्योर ज्यादा बेहतर लग रहा है, कॉमेंट करके बताएं। साथ में लंच करने पर अपनापन बढ़ता है। एमा ने अपने क्लासमेट्स को सबसे महंगे बर्गर्स खिलाने का सोचा है। जेनी भूखी रह गई है, उसे अमीर स्टूडेंट से कुछ भी नहीं मिला है। लगता है बर्गर्स में कुछ सरप्राइज है, इसलिए ये इतने महंगे हैं। और एंडी के दांत को अब कोई नहीं बचा सकता है। मिस रूबी ने सभी को क्लास में लैपटॉप्स लाने के लिए कहा है। एमा के पास डायमंड लैपटॉप है, ये बहुत कम मिलता है। जेनी कार्डबोर्ड लैपटॉप का इस्तेमाल कर रही है, उसने इसे खुद से बनाया है। क्लासमेट्स को ये बहुत पसंद आ रहा है, सिवाय अमीर लड़की के। कार्डबोर्ड को पानी के साथ खराब करना आसान है, पर बेवकूफ जेनिटर ने और ज्यादा बेवकूफ सर्वेंट निक को ढूंढ लिया है। और हमेशा की तरह ये सिर्फ एमा के खिलाफ ही काम किया है। आप कॉलेज में वेपन्स नहीं ला सकते हो। अमीर स्टूडेंट को विश्वास है कि वो सुंदर रिंग्स के साथ आपको कोई भी लड़का पसंद कर सकता है, पर इस आम इंसान को कीमती स्टोन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही खूबसूरती के बारे में पता है। आप इतनी सुंदर और अमीर एमा को कैसे इग्नोर कर सकते हो? और साथ ही वो बहुत अच्छी लड़की है, कोई सच में उसकी तारीफ नहीं करता है। एमा के महंगे पेन में इंक खत्म हो चुकी है। वो अपने गरीब क्लासमेट्स के पेन से नहीं लिख सकती। उसके पास ऐसे हालातों के लिए अलग रास्ता है। निक ने सारा काम खुद कर लिया है। जेनी को फिर से ए मिला, शाबाश। एमा को भी ए मिला है, पर ये सच में उसका ग्रेड नहीं है। क्लास में एक नया ए स्टूडेंट आ चुका है। निक मुबारक हो, और एमा को पूरा टेस्ट खुद से करना होगा।
क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके अपने पसंदीदा वेकेशन के बारे में बताएं।